हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स होस्टेड बाय प्रभात। गाइज, आप सभी लोग के लिए गुड न्यूज़ है। आप सभी ICR 21 एस्पिरेंट्स के लिए जिनका अभी तक किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है। गाइज, लास्ट टाइम ICR की मॉपअप राउंड काउंसलिंग 15 जनवरी को कंप्लीट हुई थी। उसके बाद से आप सभी लोग को इंतजार था ICR की बची हुई वैकेंट सीट का। तो हाल ही में जस्ट कुछ देर पहले यहाँ पे ICREXAM.NET की वेबसाइट पे ICR ने अपनी वैकेंट सीट जो आफ्टर मॉपअप राउंड वैकेंट होती है उन सभी की लिस्ट रिलीज कर दी है। आई नो आप सभी को बिलीव नहीं होगा, टोटल UG PG PhD मिला के 800 से ज़्यादा सीट यहाँ पे वैकेंट है। उन सभी सीटों पे एडमिशन कैसे होगा इसकी सारी डिटेल्स आगे हम आपसे साथ वीडियो में शेयर करने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो उन्हें लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन फ्यूचर 22 एस्पिरेंट्स के लिए भी काफ़ी कुछ चैनल पर आने वाले हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आपको आगे इन फ्यूचर मिल कीजिएगा। सो गाइज, अभी कुछ देर पहले यहाँ पे ICR की वैकेंट सीट का लिस्ट रिलीज कर दिया गया UG PG PhD का। उन सीटों पर एडमिशन कैसे होगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर में सीट्स वैकेंट हैं, तो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें आपको देखने को मिलने वाली हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सो दोस्त, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो तो ये लिस्ट आ चुकी है, वैकेंट लेफ्ट ओवर सीट मैट्रिक्स आफ्टर मॉपअप फाइनल राउंड। काफी सारे लोग आपको इनके थ्रू बहुत ही गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे थे, कोई भी लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन हमने आपको बिल्कुल एग्जैक्ट बता दिया था कि ICR की लिस्ट आएगी। आप लोग उसका वेट कीजिए, जब भी आएगी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन कर रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यूनिवर्सिटी वाइज, यहाँ पे कोर्स वाइज और कैटेगरी वाइज टोटल नंबर आप वैकेंट सीट की लिस्ट प्रोवाइड कराएगी है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखते हो BSc AG की काफ़ी सारे नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट हैं। यूनिवर्सिटी वाइज देखें तो AU गुजरात में 4 सीट है, NG Ranga आंध्रा में 20 सीट, उसके बाद असम एग्रीकल्चर भी सीटों पे एडमिशन आपका होना तय है। कैसे होगा वो इन्फॉर्मेशन हम आगे आपके साथ वीडियो में शेयर करने वाले हैं। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री फिशरीज और सभी कम्युनिटी साइंस बायोटेक, उसके बाद BTEC AG कोर्सेज, जितने भी टेक कोर्सेज है, या चाहे फूड टेक हो, डेयरी टेक हो या फिर आपका बायोटेक हो, इन सभी कोर्सेज पे आप सभी की काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी यूनिवर्सिटी ने अपनी स्पॉट राउंड स्टार्ट करा दी। जैसे कि RPCU में टोटल 30 सीट वैकेंट थी BTEC बायोटेक की, तो इनकी स्पॉट राउंड हो चुकी है। सेम एज OU AT की भी स्पॉट राउंड हो चुकी है, लेकिन अभी भी काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी हैं जो कि ICR की वैकेंट सीट का वेट कर रहे थे। उन सीटों पर एडमिशन कैसे होगा वो चीज़ हम आपको आगे बताने वाले हैं। तो आप लोग यहाँ पे अपना कैटेगरी देख लीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितनी सीटें वैकेंट हुई। बात नहीं, काफी टाइम से लोग इस टॉपिक पे परेशान रहते हैं कि OBC की सीट्स बहुत कम रहती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। OBC की सीट्स आप सभी की OBC और EWS का रिजर्वेशन 10%, OBC का 27%, ICR काउंसलिंग में अप्लाई नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसके लेकर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपकी UR में इंक्लूडेड होती है। अगर सब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे आपका एडमिशन कैसे होगा। जैसा कि ICR ने वैकेंट सीट के साथ एक नोटिफिकेशन में रिलीज किया जिसमें इन्होंने बताया कि कैसे वो सीट्स को फुलफिल करेंगे, तो यहाँ पे नोटिस है उन सभी यूनिवर्सिटी के लिए जहाँ पे सीट वैकेंट है, ठीक है। टू ऑल द रजिस्टर्ड एक्रेडिटेड ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ICR डीम्ड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद एग्रीकल्चर फैकल्टी, ठीक है। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है वैकेंट और मॉपअप राउंड के बाद जो सीट बची हुई है UG PG और PhD की, उनको कैसे फुलफिल करना है। तो यहाँ पे सीधे सीधे इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि हमने अपनी काउंसलिंग 15 जनवरी को कंप्लीट कर ली है, अब हमारे पास कोई भी सीट नहीं है। लेकिन आप लोग को पता होगा सीट्स अभी भी वैकेंट हैं, सो इन सीटों पर एडमिशन यूनिवर्सिटी अपने लेवल पर काउंसलिंग करा के कैसे भी उसको फिलअप करें, ठीक है। इन अकॉर्डेंस विद द एबव प्रोविजन द ICAR कोटा सीट आफ्टर द फाइनल राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग इफ रिमेंस वैकेंट सीट, ये चीज़ उन्होंने पहले अपने काउंसलिंग ब्रोचर में बता दिए जो कि आप क्लॉज 4.0 में देख सकते हैं। वहाँ पर उन्होंने सीधे इन्फॉर्मेशन दे दी, अगर सीट्स वैकेंट रहती है तो सीट्स ICR की सीट्स नहीं कहलाएगी, ठीक है। 4 राउंड काउंसलिंग होने के बाद, मॉपअप राउंड काउंसलिंग होने के बाद जो भी सीट वैकेंट रहती हैं उन सीट को यूनिवर्सिटी सीट के नाम से जाना जाता है। जैसा कि इन्होंने ये हाईलाइट पॉइंट में बता दिया कि दिस सीट्स विल नो मोर बी कॉल्ड एज ICAR सीट एंड ट्रीटेड एज यूनिवर्सिटी सीट, इस सीट को ICR की सीट्स नहीं बोलेंगे, इसको हम यूनिवर्सिटी की सीट कह सकते हैं, ऐसा इन्होंने अपने इन्फॉर्मेशन में दिया है। और वैकेंट सीट के मैट्रिक्स ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज कर दी गई है, अब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे उस सीट वैकेंट के थ्रू काउंसलिंग करा सकते हैं। जैसे कि कुछ यूनिवर्सिटी अपनी फिशरीज कोर्स के लिए बिहार में, जो बिहार फिशरीज एनिमल साइंस का यूनिवर्सिटी है, उन्होंने OU AT ने, RPCU ने, CAU ने, CSPHKV ने, इन सभी ने अपनी स्पॉट काउंसलिंग कंप्लीट करा ली है। उसके बाद जो भी सीट वैकेंट हुए उन सभी सीटों पे एडमिशन अब यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे काउंसलिंग करा के करेगी। तो जल्द ही बहुत सारे काउंसलिंग स्पॉट होने वाले हैं जिसकी नोटिफिकेशन आपको ओनली ऑन एग्री अपडेट्स यूट्यूब चैनल पे मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कीजिएगा और फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे फ्यूचर में ICR और अदर स्टेट एग्रीकल्चर एग्जाम प्लस यूनिवर्सिटी एग्जाम
प्लस सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एग्जाम्स की अपडेट्स मिलने वाली हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।